हाँ मित्र, एक मिनट मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। तो आपका क्वेश्चन है कि एबीसी जो है, तीन व्यक्ति हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है क्रमशः 8%, 7% और 9% जो है अपने वेतन का दान करते हैं। ठीक है, ये लोग इतने परसेंट अपने वेतन का डोनेट करते हैं। ए और बी की जो सैलरियाँ हैं वो समान हैं, उनके वेतन समान हैं, और ए बी के दान का अंतर भी दिया हुआ है 269 रुपये। तो इससे हम कुछ कर सकते हैं। तो ए बी का सैलरी समान है, सी का अलग है, तो ए की सैलरी एक्स, बी की सैलरी एक्स और वाई जो है आपकी हो गई सी की सैलरी। ठीक है, तो ए का जो दान है वो कितना होगा, 8% है एक्स का, तो 8x/100 हो जाएगा। ठीक है, और बी का जो है वो आपका 7x/100 हो जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया है 259। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25900। तो ये ए की सैलरी और बी की सैलरी, दोनों की सैलरी निकल आई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसमें ये कह रखा है कि ए और बी का जो कुल दान है वो सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। इसमें जो है ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है, इंग्लिश में सही है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए और बी का कुल दान, तो उसको आप इक्वेशन बना लें। ए का जो डोनेट है 0.08x और बी का जो है वो 0.07x। ठीक है, तो ये दोनों को टोटल करके जो सी का डोनेट है 0.09y, इससे 1185 है। आप ऐसे लिख सकते हैं दूसरी इक्वेशन में, 0.08x + 0.07x = सी के डोनेट से 1185 रुपये अधिक। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे तो जो वाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30000। ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब जो है टोटल डोनेशन निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और सी का जो टोटल डोनेशन है वो ए बी सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है। तो टोटल डोनेशन जो है आप ए और सी का निकाल लीजिए। ए का जो डोनेशन है वो 0.08x और 0.09y जो है वो आपका सी का है। दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे एक्स और जेड की, तो दोनों का जो टोटल डोनेशन है वो आ जाएगा 4772। ठीक है, तो इन दोनों का जो कुल डोनेशन है वो कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, तो ये अंश में हो जाएगा और हर में कुल वेतन हो जाएगा, ×100 करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुल वेतन आप निकाल सकते हैं। तो कुल वेतन ए और बी का आया था 25900 और +30000, ये जोड़ के जो है आपका आएगा 81800। ठीक है, इसको अपान में और जो ए और सी का टोटल आया था उसको ऊपर ×100 करके जब आप करेंगे तो आपका 5.8% आ जाएगा आंसर। ठीक है मित्र, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लॉन्ग है, मैं और प्रयास कर रहा हूँ कोई छोटी विधि मिले तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ।